अभिनेत्री श्रीदेवी को आज भी सभी बेहद याद करते हुए नजर आते हैं। श्रीदेवी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग और खास पहचान बना रखी थी। श्रीदेवी जो जब भी बड़े पर्दे पर नजर आती थी तो अपनी खूबसूरती और अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों को दीवाना कर जाती थी। आज भी श्रीदेवी को सभी याद करते हुए नजर आते हैं और श्रीदेवी को लेकर अपने इंटरव्यू में बातें करते हुए भी देखे जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 24 फरवरी साल 2018 में श्रीदेवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही श्रीदेवी को लेकर ये दुखद खबर सामने आई कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है तो हर किसी को इस खबर ने अंदर से झकझोर कर रख दिया। श्रीदेवी को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, वहीं श्रीदेवी को हर कोई याद करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का श्रीदेवी के साथ बहुत ही खास रिश्ता था। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स के साथ श्रीदेवी के मतभेद को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल होता है मशहूर अभिनेत्री जया पर्दा का। जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब जया पर्दा और श्रीदेवी के बीच मतभेद हो गया था, लेकिन जया पर्दा श्रीदेवी से बेहद प्यार भी करती थी। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीदेवी और जया पर्दा के बारे में। हाल ही में जया पर्दा ने श्रीदेवी को लेकर बातें की हैं और अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आई हैं। चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं जया पर्दा और श्रीदेवी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जया पर्दा हाल ही में टीवी के मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी मशहूर अभिनेता राज बब्बर के साथ, और इस दौरान जया पर्दा ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। यहां पर जया पर्दा ने बातें की हैं श्रीदेवी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा हमेशा ही बॉलीवुड सेलेब से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्सों पर भी बातें करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस दौरान कपिल शर्मा के साथ कुछ भावुक पलों को याद करती हुई नजर आईं जया पर्दा और अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई देखी गई हैं। चलिए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए श्रीदेवी और जया पर्दा के बारे में कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी थी और किस तरह से दोनों में दोस्ती हुई। हाल ही में 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जया पर्दा ने एक बेहद बड़ा खुलासा किया है। जया पर्दा ने बताया है दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ रिश्ते को लेकर। जया पर्दा ने बताया है कि किस तरीके से दोनों के बीच मनमुटाव था। दरअसल जहां एक ओर 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियां थीं जया पर्दा और श्रीदेवी, वहीं दोनों के बीच मनमुटाव होना भी तय था। दोनों का ये मनमुटाव जग जाहिर भी था। श्रीदेवी और ऐश्वर्या जयपर्दा का फिल्म इंडस्ट्री में बोलबाला हुआ करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों के बीच काफ़ी मनमुटाव हुआ था और इस कोल्ड वॉर को लेकर हाल ही में जयपर्दा ने खुलासा किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयपर्दा ने हाल ही में द कॉमेडी शो कपिल शर्मा में एक बेहद बड़ा खुलासा किया है और बताया है एक बड़े ही दिलचस्प किस्से के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जया पर्दा ने हाल ही में कपिल शर्मा के शो में कहा है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर जितेंद्र ने दोनों ही एक्ट्रेस को एक कमरे में बंद कर दिया था जिससे कि अपने मतभेद को दूर कर सके, लेकिन जब 1 घंटे के बाद जितेंद्र ने कमरा खोला तो दोनों ही एक्ट्रेस अलग अलग बैठी हुई नजर आई। 1 घंटे के बाद भी बंद कमरे में रहने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक ओर 80 के दशक में दोनों की एक्टिंग का बोलबाला था, खूबसूरती का बोलबाला था, तो वहीं डांस का भी। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आती थीं। जानकारी के लिए आपको साथ ही ये बता दें कि ये घटना है साल 1984 की, जब फिल्म मकसद की शूटिंग चल रही थी और दोनों ही इस फिल्म में साथ में नजर आई थी बतौर लीड एक्ट्रेस के। इस फिल्म में
दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना और जितेंद्र भी थे। वहीं कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन राजेश खन्ना ने और जितेंद्र ने दोनों को एक साथ मेकअप रूम में बंद कर दिया था, जिससे कि दोनों के बीच का मनमुटाव दूर हो जाए। लेकिन बावजूद इसके दोनों ही कमरे में अलग अलग बैठी नजर आए और दोनों ही अलग अलग कोने में खामोशी से बैठी रही, एक दूसरे से बात तक नहीं की। वेल, जहां एक और सालों पहले जया और श्रीदेवी के साथ ऐसा मनमुटाव था, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते अच्छे होते हुए भी नजर आए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती हुई भी नजर आए। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां एक और श्रीदेवी के साथ ऐसा रिश्ता था बहुत सालों पहले, वहीं श्रीदेवी को आज भी जयाप्रदा काफी याद करती है। जयाप्रदा ने शो में बताया कि वह उनके जाने के बाद उन्हें काफी मिस करती है। जयाप्रदा ने बताया कि आज भी वह श्रीदेवी को काफी मिस करती हैं। श्रीदेवी को याद करते हुए जया ने उस वक्त एक पोस्ट भी लिखा था जब श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। श्रीदेवी को लेकर जया ने लिखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, हमेशा के लिए। वह किसी परी की तरह खूबसूरत थी और अब उन्हीं के बीच चली गई। और इस तरह से जया ने अपने दिल के दर्द को उस पोस्ट के जरिए बयां किया था और श्रीदेवी के साथ बेहद खूबसूरत सी तस्वीर को शेयर किया था, जब श्रीदेवी हंसती हुई नजर आ रही थी और जयाप्रदा उनके कंधे पर सिर रखी हुई हैं और हंसती मुस्कुराती हुई देखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर जया और श्रीदेवी की तस्वीर काफी पसंद भी की जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जयाप्रदा श्रीदेवी को आज भी बेहद याद करती हैं। सोशल मीडिया पर जयाप्रदा ने एक पोस्ट किया था और अपने दिल के दर्द को बयां किया। वहीं अब जयाप्रदा ने कपिल शर्मा के शो में ये बड़ा खुलासा किया है और बताया है श्रीदेवी के साथ रिश्ते को लेकर आखिरकार दोनों के बीच कैसा रिश्ता था। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयाप्रदा जहां एक और अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री थी, तो वहीं श्रीदेवी भी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ने साथ में फिल्में भी की और दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग भी शेयर करती थी। लेकिन आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है। जहां एक और सभी श्रीदेवी को याद करते हैं, तो वहीं खुद जयाप्रदा भी श्रीदेवी को याद करती हुई नजर आती हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।